आज मेरे पास ये सवाल आया है। हम अक्सर लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। लोग बातें ही ऐसी चुभने वाली, ऐसी कड़वी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लाइफ में थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं कर पाते और निढाल से पड़ जाते हैं, होप खो देते हैं लाइफ में। तो ऐसी चुभने वाली बातों से हम कैसे डील करें? तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पड़े रहोगे, फेल होते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। इस तरीके की बातें किसी ने आपको बोली होगी ना, किसी टीचर ने कभी कहा होगा कि ये इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या आपके अपने माँ बाप ने भी कभी कहा होगा कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। कहा होगा ना, बहुत बुरा लगा होगा, मुझसे भी कहा है। कई कई दिन तक मैं स्ट्रेस में रहा, कई कई दिन तक परेशान रहा, अपने ऊपर से उम्मीद छोड़ दी। ऐसा होता है, कोई बात नहीं, बातों का बुरा लगना जायज़ है, बिल्कुल आपको बुरा लग सकता है लोगों की बातों का, खासकर जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों से आप प्यार करते हो। अब उनसे डील करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपके घर वाले आपको कहेंगे कि ये दुनिया का राजा है, मेरा राजकुमार है, तो क्या आप अपने आप को राजकुमार मानने लगते हो? नहीं मानते ना, मानते वही हो जो आप हो। तो अगर उन्होंने आपको एक बात गलत कह दी, वो आप अचानक से मान लोगे कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो आपका दोगलापन हुआ ना। सही नहीं कह रहा मैं या गलत कह रहा हूँ? अगर उनकी अच्छी बातों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि आप राजकुमार नहीं हो, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो आपने मान लिया कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, तो पहली बात तो आप ही गलत हो गए। या तो दोनों बातों को एक्सेप्ट करो, तो वो दूसरी बात पहली बात से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और अगर आपने पहली बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर दूसरी बात को भी एक्सेप्ट मत करो। दोस्त, आप लोगों के शब्दों की इतनी अहमियत समझते ही क्यों? एक इंसान इतने शब्द जिंदगी में बोल सकता है कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट हर दिन हम इतने शब्द बोल सकते हैं कि उसकी गिनती करना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसी जब कोई आपको सुविधा मिली हुई है, जब आपकी गाड़ी में अनलिमिटेड पेट्रोल भरा हुआ है, तो आप उसको उल्टी सीधी जगह चलाओगे? जायज सी बात है, काम पे भी जाओगे, उल्टी सीधी जगह भी चलाओगे। तो इसलिए लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में आके कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, बक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर शब्द को आप अपने दिल से लगाओगे और अपनी लाइफ में ढाल भी लोगे और मान भी लोगे। ये बात सिर्फ ये शो करती है कि आप अंदर से इनसिक्योर हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और आप अपनी जिंदगी को वैल्यू ही नहीं कर पाए। किसी के शब्द और आपका जीवन, क्या ये दो चीज़ें बराबर हैं? क्या ये दो चीज़ें कभी भी बराबर हो सकती हैं? एक जीवन आपको मिला है, हजारों लोग हैं आपके आसपास और उनके करोड़ों अरबों शब्द हैं, तो क्या आप उनके कहे चार शब्दों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते और करना भी मत। किसी ने आपको आज कोई बात बोल दी है, कोई ताने मार दिए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोई गाली भी दे दी है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही शो करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपकी सेल्फ एस्टीम कितनी हाई है और आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको जलील कर रहा है, आपका बॉस आपको जलील कर रहा है, बार बार कह रहा है तू किसी काम का नहीं है, तुझे निकाल दूंगा, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा है। आपको वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अभी नहीं छोड़नी तो सर्च करना शुरू कर दो और फिर छोड़ देना। जब कोई आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है, तो उस इंसान से डिस्टेंस बढ़ाना आपका फर्ज बनता है, आपकी ज़रूरत बन जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो डे टू डे लाइफ में हमारे प्रियजन ही अक्सर हमें कुछ उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, गुस्से में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके या हमारे भले के लिए ही बोल देते हैं। तो उन बातों का इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, बातों की इतनी वैल्यू मत करो। आपने उस इंसान की वैल्यू तो बहुत बढ़ा दी और अपनी वैल्यू बहुत घटा दी। अपनी वैल्यू और उनकी वैल्यू को बराबर रखो, अगर वो आपके बड़े भी हैं थोड़ा सा ऊपर रखो, यानी कि उनको आसमान में रख दिया, अपने आप को ज़मीन में रख दिया। दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखना, लोग आपकी रिवर्स साइकोलॉजी को यूज़ करके कुछ आपको उल्टी सीधी बात बोल देंगे ताकि आप उनका काम कर दो। अरे ये तो किसी काम का नहीं है, ये कह के लोग आपको ड्राइवर बना के आपका इस्तेमाल करना चालू कर देंगे या आपसे अपने मार्केट के इधर उधर के काम कराना चालू कर देंगे। जैसे ही किसी ने बोला कि आप किसी काम के नहीं हो, आपके अंदर तो एक जज्बा जाग गया, मैं तो हूँ काम का, मैं करके दिखाऊंगा, और फिर वो इंसान आपका इस्तेमाल करके और आपको छोड़ देगा। तो एक तो अपनी लाइफ को किसी के शब्दों के थ्रू चैलेंज मत देना, चैलेंज खुद लो, गोल्स खुद बनाओ। किसी ने कुछ कह दिया कि आप नहीं कर सकते, तो इसलिए चैलेंज मत लेना। ये मेरे अंदर की सबसे बुरी आदत है, मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ, अब तो खैर कम कर दिया है, लेकिन अगर कोई इंसान कहता था ना कि तू ये चीज़ नहीं कर सकता, चाहे वो जान के कह रहा हो, मैं उसी चीज़ को करने में लग जाता। तो ये तो बहुत ही खराब आदत है, इससे अपना नुकसान ही करके बैठोगे और लोगों के द्वारा आपका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको लोगों के वर्ड्स की वैल्यू भी है, तो लोगों के चार शब्दों की वैल्यू मत करो। अगर कोई आपका हितैषी है, आपका प्रेमी है, और वो आपको 6 महीने साल भर तक लगातार ये बात बोल रहा है कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम ज़िंदगी में किसी लायक नहीं बन पा रहे हो, तो आप ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करना कि कहाँ आप गलत हो,
क्या आप कुछ गलती कर रहे हो, क्या आपकी मेहनत में कमी है? चार शब्दों पे मत जाना। अगर 6-8 महीने रेगुलर सालों तक एक इंसान आपको एक बात बोल रहा है या महीनों तक एक बात बोल रहा है तो उसकी बात को वैल्यू करना सीखें। वहां तो आप सही हो क्योंकि आपने उसके रेगुलर इंटरेक्शन को एवरेज आउट करके एक निष्कर्ष निकाला है। लेकिन लाखों शब्दों में से 4 शब्द निकाल के उनको अपने ऊपर ले लेना वो गलत है। और जो लोग तो मारते ही ताने हैं, बात ही ताने मार के करते हैं, उनकी बात को तो यार सोचना भी बेकार है। जब आपको पता है कि इस इंसान का काम ही है ये दूसरों को ताने मारना, तो अगर आप उस इंसान की बात का बुरा मान रहे हो तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है, फिर तो आपको मैच्योर बनने की जरूरत है। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, किसी भी इंसान के एक डायलॉग का बुरा मत मानना, उसको दिल से मत लगाना, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत देना।